हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है आप निहाल, यू ओके? सर, आप हमें है ना वो आप है ना जो करवाएंगे हमको व्हाट्सएप कर देना, जब हम है ना आपको बता देंगे। हम मथुरा वृंदावन जाएंगे अपने मामू के साथ। कब जाएंगे वृंदावन? सर जन्माष्टमी को नहीं? तो जन्माष्टमी की तो छुट्टी है ना, स्कूल थोड़ी अरे जाएगा। सर, 2-3 दिन नानी के दिन भी रुकेंगे। तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर, ठीक है? ओके सर, जो रिकॉर्डिंग है उसको देख लीजिएगा। मिस्टर परवीन, आप ठीक हैं? म्यूट करो नेहल, नेहल म्यूट करो। मिस्टर परवीन आप बताइए। अरे ये तो गायब ही हो गए। मिस्टर प्रवीण ठीक तो हैं? बोलिए, कुछ बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके okay. निहाल आपको नहीं आ रही मेरी आवाज? यस सर, आ रही है। परवीन, अगर यहां से प्रॉब्लम होती तो निहाल को भी नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि आप में थोड़ा सा नेटवर्क जो है कमजोर आ रहा है। तो जरा अपना जहां पर है ना उससे थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। लिया चले गए, हमको लग रहा है वो फिर से ज्वाइन होंगे। प्रवीण थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, जहां है वहां से थोड़ा हट के दूसरी तरफ चले जाइए, नेटवर्क आ जाएगा। प्रवीण अभी बताइए, अभी आवाज आ रही है आपको क्लियर? शराब आ रही है। आ रही है। हाँ, दो लोग हैं, मिस्टर प्रवीण हैं और मिस नेहर है। अब हम क्या करें, और बच्चे ज्वाइन ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं ज्वाइन होते हैं हमको ये भी नहीं पता। अच्छा नहीं लगता क्लास लेना। या कोई प्रवीण म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपके यहां से बड़ा खिर 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 करके आवाज आ रहा है। पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन होते हैं। नेहल आपको पता है और बच्चे क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे हैं? सर नहीं पता। जैसे मनु थे, मनु आते थे, और भी बहुत से बच्चे थे जो आते थे पहले, अभी आते ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आ गया, एक बच्चा और आ गया। मिस्टर रितेश, मिस्टर रितेश क्या हाल चाल है? ठीक है मिस्टर रितेश? स्वस्थ स्वस्थ तो हैं? सर, हमको लग रहा कि परवीन को फिर से नेटवर्क चला गया, वो चला गया, गायब हो गया। अच्छा है अभी परवीन है। चलिए रितेश आप बताइए, आपको आवाज आ रही है ना क्लियर? रितेश चलिए ठीक। अब मुझे सारे बच्चे ईमानदारी से ये बताइए कि ये जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया है आपको, सर हमारा कंप्लीट है और थोड़ा सा रह गया बस। लेसन 7, सब लोग बताइए ईमानदारी से। जो लेसन 7 है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में 12 क्वेश्चन थे। हम करवाते, लेकिन आपने बोला था कि इस तरह ये 12 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे, इसलिए हम छोड़ दिए थे। अब कोई सर हमने बच्चा पूरे ऐसा तो कर कोई लिए। क्वेश्चन पूरे कर लिए, वेरी गुड। कोई बच्चा इन 12 क्वेश्चन में कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले।
देखिए हम एक टेस्ट वेस्ट लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन से हम यहाँ से हम क्वेश्चन जरूर बनाएंगे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप, इसलिए आप खुद बोले थे कि हम कोशिश करेंगे, तो हम बोले अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोशिश में अगर कहीं अटके हो तो पूछिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है जो आपको नहीं समझ में आया। मिस्टर रितेश कुछ पूछना चाहते हैं इसमें से? हाँ? किसी ने हमें होमवर्क ही नहीं दिया, तो होमवर्क क्यों नहीं किया? ये कोई बात तो हुई नहीं, जो होमवर्क ये नहीं किया हम उसको नहीं बताएंगे, जो कोशिश किया बस उसी को बताएंगे। होमवर्क ही नहीं किए बताइए, ये कोई अच्छी बात है? मिस्टर प्रवीण आपको कोई क्वेश्चन इसमें से ना समझ में आ रहा हो, जब किए होंगे तो सकता कोई क्वेश्चन फंस गया हो, नहीं समझ में आया हो तो पूछिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए प्रवीण। नेटवर्क और सर हम रेस होने चले गए थे तो रिकॉर्डिंग नहीं देखा था, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं देखा था? ये देखिए अब तो आप ये बहाना भी नहीं बोल सकते, हम जब बोले थे कि अगर आपका मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग देखा करिए बाद में, लेकिन आप रिकॉर्डिंग भी नहीं देखे। अभी देखिए जैसे मिस निहल कह रही हैं कि वो जाएंगी घूमने अपने नानी के यहाँ, तो हमने उनको कहा ना कि अगर वो नानी यहाँ जाएंगी तो जो उनका क्लास छूट जाएगा दो दिन उसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अगर रिकॉर्डिंग देखे होते तो बातें समझ में आ जाती और होमवर्क भी किए होते। चलिए आपको हम एक दिन का और समय दे रहे हैं, जो बच्चे नहीं किए हैं अभी, आज देखिए आज है सैटरडे, फिर संडे और फिर मंडे, दो दिन है आपके पास। आज का दिन है सैटरडे है आपके पास संडे है, आपके पास मंडे है, ये तीन दिन में ये क्वेश्चन नंबर 9 के 12 क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो ट्यूसडे को पूछिएगा, ठीक है? रितेश प्रवीण कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा। चैट आ रहा है, नेहल गुड गुड प्रॉमिस हमने कर, अरे हम आपसे तो बात ही नहीं कर रहे नेहल, आपने कर लिया हमें पता है, हम जान गए आपने कर लिया, हम रितेश और प्रवीण से बात कर रहे हैं। रितेश और प्रवीण करेंगे, बोलिए प्रवीण और रितेश। प्रवीण बोलिए बच्चे, प्रवीण बोलो, रितेश बोलो, प्रवीण बताओ। रितेश हेलो, रितेश 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 म्यूट करो, म्यूट करो बच्चे रितेश। चलिए आइए हम अब आपको अगले, ओहो प्रवीण को क्यों आवाज नहीं आ रही? नेहल आपको भी नहीं आ रही आवाज? सर आ रही है। रितेश आपको आ रही आवाज? सर आ रही है। प्रवीण को क्यों नहीं आ रही? प्रवीण तुमको आवाज क्यों नहीं आ रही? चलिए थोड़ी देर रुकिए, प्रवीण आएगा, आ जाएगा आवाज। अब हम क्या करें इसमें, और बच्चों को आ रही है, एक बच्चे को नहीं आ रही है।
चलिए आज हम आपको आपका नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और वो चैप्टर है लेसन नंबर 8 डेसिमल नंबर डिवीजन विद डेसिमल नंबर। जो यूनिट है आपका उसमें हम आज आपको ये पढ़ाएंगे डिवीजन विद डेसिमल। इसमें ये बातें पढ़ानी है, ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, इसको आप ध्यान ना दें। ये हम मैंने अपने लिए लिखा है, आपके लिए भी हम उसको देख देख के पढ़ाते जाएंगे। जैसे ये पढ़ा लेंगे सर आज हिंदी की क्लास क्यों नहीं लगी है, इसलिए नहीं लगी है क्योंकि आपके धर्मेंद्र सर आज स्कूल नहीं आए हैं, और क्यों नहीं आए हैं ये हमें नहीं पता है। हो सकता है जैसे नेहल को नानी के यहाँ जाना हुआ, वैसे हो सकता है धर्मेंद्र सर भी नानी के यहाँ चले गए होंगे, हमें नहीं पता क्यों नहीं आए, लेकिन आज वो स्कूल नहीं आए, ठीक है, इसलिए आपकी हिंदी की क्लास नहीं लगी। लेकिन मैथ की क्लास लग रही है ना, तो मैथ की क्लास को देखिए। सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा फोकस, अब सीरियस, ठीक है, आप मजाक से हट के थोड़ा ध्यान से सुनिए। डिवीजन ऑफ डेसिमल बाई टेन हंड्रेड थाउजेंड इस तरह के नंबर अगर होंगे और उनको हमको डिवीजन डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे अगर हम मान लीजिए डेसिमल नंबर है, इसको डिवाइड करना है मान लीजिए 10 से, क्या करेंगे। हमने बता दिया है आपको ये वाली बात, और हमने ये बताया है कि जब डिवीजन होता है और 1000 और मल्टीप्लाई इस तरह का नंबर आता है तो अपन लेफ्ट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई होता है तो हम राइट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, खसकाते हैं, और खसकाते कैसे हैं, जीरो गिनकर। तो यहाँ कितने जीरो है, एक जीरो, एक जीरो है तो एक खसक जाएगा। तो इसका आंसर जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये 8.3 है, ये 8.3 है, ठीक है, तो ये डेसिमल एक जीरो है तो एक खसक जिसके इधर आ जाएगा, मतलब डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ था, अब यहाँ से ऐसे उड़ते, ऐसे उड़ते उड़ते अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बना, क्या हो गया, 0.83, ये आपका आंसर आ गया, 0.83 आपका आंसर आ गया। लेकिन हमने बताया था कि पॉइंट से पहले अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसके आगे जीरो लिख देना अच्छा होता है, तो ये 0.8 बच्चों अभी एक क्या पूछते हैं, आपको समझ में आया, ये बातें पुरानी समझ में आया सर। एक बच्चा जो है ना बहुत परेशान कर रहा, म्यूट करो, कौन है वो, परवीन, परवीन म्यूट करो अपने आप को, और कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, इसलिए ना बहुत आवाज आती है, ठीक है, इसलिए अभी अनम्यूट मत कीजिएगा। जब हम फिर शुरू हो गया, परवीन, परवीन, अरे बच्चे म्यूट कर लो, परवीन म्यूट कर लो, चैट करो, चैट, यस सर, समझ में आ गया है आपको। लेकिन ये परवीन म्यूट क्यों नहीं कर रहा है, परवीन म्यूट कर लो बच्चे, भाग गया परवीन, परवीन थोड़ा परेशान, ये परवीन जो है ना, ओ,
हमने ही कर दिया परवीन को म्यूट, परवीन परेशान कर रहा था, हमने म्यूट कर दिया उसको। चलिए अभी उसको अनम्यूट कर देंगे। देखिए परवीन अगर कुछ बोलना हो तो चैट करना है। तुम्हारे यहां से इतनी आवाज आ रही थी ना कि बड़ा कान में खरखर खरखर बहुत आवाज आ रही थी। देखिए 8.3 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल लेफ्ट की तरफ खसक जाएगा। निहल ने चैट करके बता दिया कि उसको बात समझ में आ गई। मिस्टर रितेश समझ आई बात? रितेश आप बताइए। ठीक है, अब देखिए रितेश, अगर वही जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 17.85 क्या बंद कर देते हैं डिवाइडेड बाय 100। अब इसका आंसर बताइए तो जरा जल्दी से। अब यहां पे देखिए दो जीरो है तो ये डेसिमल दो खसकेगा, दो बार खसकेगा है ना। तो जैसे ये है 1.7.85 है ना, एक बार खसका फिर दो बार खसका। हाँ बोलिए नेहा कितना होगा? 1। हाँ बोलिए, यही आंसर है। अरे तो बोलना चाहिए ना, बोले नहीं। अभी हम आपको उल्टा पुल्टा दिखाई पड़ रहे होंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, थोड़े देर में सीधे हो जाएंगे। सर ऐसे ही रहने दो। नहीं ऐसे कैसे रहने दे, उल्टे दिखाई देंगे हम आपको, अच्छा लगता है क्या? अब हम आपको सीधे दिख रहे हैं। मुझे पता है कि जब हम ऐसे कुछ करते होंगे तो मेरा हाथ एकदम आपको नजर आता होगा। आप भी सोचते हैं कि ये क्या एकदम से सर पढ़ा रहे, एकदम से ये आ गया। ये जानते हैं आप यहाँ पे मोबाइल में कुछ करते हैं ना, तो ये इसलिए मोबाइल में खूब बड़ा बड़ा सा हाथ दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको आप वो मत कीजिए कि अरे ये क्या आ गया, ये मेरा हाथ है। ठीक है, ये मेरा हाथ रहता है। ठीक है, आइए अब देखिए इसी तरीके से और हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। मान लीजिए जैसे 8.5 है सर, पर इसे डिवाइड कैसे करना है? हाँ नहीं बोलिए बताइए। अब 8.5 को 1% में डिवाइड कर रहे हैं, बताइए आंसर क्या होगा? सारे बच्चे डेसिमल कितना खसेगा? 3। तो एक बार खसेगा यहां आएगा, दूसरी बार खसकेगा तो यहां आएगा, लेकिन यहां बीच में कुछ है नहीं तो एक जीरो पर लगा देते। फिर ये एक बार तीसरी बार खसेगा तो यहां से यहां आएगा, लेकिन यहां कुछ नहीं है तो जीरो लगा देते। तो ये डेसिमल उड़ के यहां पर आएगा, आंसर क्या होगा? डेसिमल 0.085। और मैंने बताया था डेसिमल के लेफ्ट में अगर कुछ नहीं हो तो जीरो लगा दिया। सभी बच्चों को ये आंसर आया है? सबने दिया है? हाँ निहल बोलिए। सर हमें डिवाइड कैसे करेंगे या फिर ऐसे ही आंसर निकालना है? अभी ऐसे ही निकालना है, अभी डिवाइड बताएंगे हम। ठीक है, अभी डिवीजन तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक एक करके अभी खाली जितना बता रहे उतना समझिए। ये बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। आप घबराइए नहीं, आपके चैप्टर खत्म होगा ना तो आप में आपका कोई भी चीज अछूता नहीं रहेगा, सारी बातों को हम देख रहे। लेकिन एक तरीका होता है ना, पहले ये। ठीक है, कौन बोला है आपको ये बात पूछने के लिए? आपके घर में से कोई बोला है क्या?
कि सर से ये बात पूछो, ऐसा हुआ है ना। देखिए कोई कोई भी बात हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हमें अभी करने दीजिए जैसे हम चल रहे हैं। आइए ये रितेश क्यों परेशान हो रहा है, एकदम गांव में बैठा रहता है, इसको देख लीजिए पहले, पता नहीं है, दिखाओ अपना जरा जंगल दिखाओ रितेश, जंगल दिखाओ जंगल, ये देखिए पूरा जंगल उंगल है, नदी उदी बह रही है, नदी तो खैर नहीं बह रही है पर पेड़ और खूब रहते हैं इसके, ठीक है, खूब जंगल है। चलिए अच्छा अब आइए आपको हम कुछ एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कराते हैं इसी का, सारे बच्चे करिएगा, ठीक है, सारे बच्चे करिएगा। एक्सरसाइज बोलिए, सारे बच्चे एक्सरसाइज ओपन कर लें, पेज नंबर 57, पेज नंबर 57 ओपन कीजिए, और रितेश आपके लिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, रिटेन में, रिटेन में पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, रितेश कीजिएगा 5742.12 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000, रितेश ये क्वेश्चन है, कीजिएगा इसको। नेहल के पास तो किताब है ही, नेहल रिटेन का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट करें, कीजिए जरा जल्दी से। 5 point हाँ बोलिए, 5.342 थ्री नहीं है, 7 है बच्चे, 3 7 अच्छा 3 अच्छा बुक में 3 लिखा, आपने 7 लिख दिया था, कोई बात नहीं, हाँ 5.342 फिर 4212 बिल्कुल सही। रितेश आपका भी यही आया है, रितेश? यस सर। ठीक है आइए एक और हम आपको करवा लें, मान लीजिए 4th करा लेते हैं, बाकी आप होमवर्क करेंगे, हम एक दो क्वेश्चन करा रहे हैं, हाँ अभी ठीक हो गया वीडियो, अभी हम एक दो क्वेश्चन करा रहे हैं और बाकी आप होमवर्क में करेंगे, पहला करा दिया आप 4th करा दे रहे हैं, 4th है लिखा हुआ है 934, रितेश लिखो 934.79 डिवाइडेड बाय 100, बताओ रितेश, रितेश बताएगा इस बार, इस बार और कोई नहीं बताएगा, अभी नेहा अभी रुक जाना, रितेश को बताने देना, तो 9 पॉइंट 3 4 7 9 एकदम सही। नेहल आपका भी यही आया है, चैट करके बताती है, हम पूछे ये है तो हाँ ठीक है, हाँ ओके अब आते हैं, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे होमवर्क में, सारा करना है, अब पूरा थोड़ी करा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है, 6 पे 6 कीजिए, 2 हम करा दिए यहाँ पे और बाकी आप कीजिएगा। हाँ प्रदेश आपको बुक का पेज का फोटो खींच के नेहल भेज देगी, तो उसको परेशान मत होइए, इसके अलावा और कुछ पूछना है तो पूछिए, हमें पता है आप यही पूछने वाले हैं, यही पूछना था, यही कहना चाह रहे थे ना कि सर हमारे पास किताब नहीं है क्या करेंगे हम, ये आप घबराइए नहीं, हाँ बोलिए सर, सर जो हम सर आपकी जब पहले दिन आपकी क्लास चलेगी ना, कोर्स बुक कराना,
कौन सी कोर्स कोर्स बुक यस सर हाँ हमने हम कोर्स बुक करा रहे हैं मैथमेटिक्स कोर्स बुक सर जो दूसरे पहली बुक में जो दूसरी में सब सब है ना उस वो पतली है बुक है मैथ की दो है नहीं मैथ की आपकी एक ही किताब है ये सर, है दो है ये बुक है आपकी सर सर दो है एक बुक है एक हमारे पास तो एक तो है और एक रह स्कूल में ही है तो ये वाली बुक है आपके पास ये वाली दूसरी है हमारे पास दूसरी नहीं ये वाली बुक हम पढ़ा रहे हैं चलिए कोई नहीं आपको क्वेश्चन का वो फोटो खींच के भेजेगी नेहल नेहल पेज नंबर 57 करके भेज देना ठीक है पेज 57 को करके भेज देना फोटो खींच के यस सर ठीक है और अगर तुमको दिक्कत है रितेश ये लो स्क्रीनशॉट ले लो हम अभी देखो कर रहे हैं ये लो यही एक्सरसाइज है स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट ले लो लिया स्क्रीनशॉट लिया था ना रितेश चलो कोई नहीं व्हाट्सएप नेहल आपको व्हाट्सएप कर देंगे आइए तो ये हो गया हमको नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत है कि अगर हम 10, 100 और इससे करेंगे कोई दिक्कत आएगा अब आइए हम आपको दूसरा तरीका सिखा रहे हैं जब अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कर सकते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखिए 15 इसको समझ लीजिएगा 15.5 को किससे डिवाइड किया गया है कि ये 1.55 हो गया है आप देखिए इस क्वेश्चन को समझिए पहले ये 5 का डेसिमल यहां था अब अगली बार डेसिमल यहां आ गया है मतलब 5 से 1 खसक गया है देख रहे होंगे आप इसका मतलब इस ये डेसिमल एक स्थान जो है बाएं की तरफ खसक गया है एक स्थान का मतलब कि पक्की गारंटी है कि इस नंबर को 10 से डिवाइड किया गया होगा तभी तो एक ही स्थान खसका है बाएं तरफ आ रही मेरी बात समझ में नेहल और रितेश ये जैसे उल्टा है उसका कि हम 10 से डिवाइड करते हैं तो एक खसका देते हैं यहाँ पहले ही खसका दिया तो आप पूछ रहे हैं कि मतलब कितने से डिवाइड किए होंगे तो आप समझ रहे हैं कि अच्छा कितने से डिवाइड किए होंगे एक खसका होगा अभी 10 से किए होंगे क्योंकि 10 में एक जीरो होता है नेहल और रितेश समझ में आया कि नहीं बताइए हमको सर वापस से समझा दो वापस से देखो अगर 15.5 को अगर अपन 10 से डिवाइड करते तो एक खसकता ना इस तरफ डेसिमल आंसर जब लिखते तो ये 1.55 लिखते कि नहीं अब आपको कोई बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि ऐसे कर दिए कि हम किससे डिवाइड करें कि 1.55 आ जाए तो आप यहाँ देख रहे कि डेसिमल यहाँ था और अब डेसिमल यहाँ पे आ गया है मतलब यहाँ से यहाँ पर आ गया है देखिए मतलब एक खसक गया है तो कितने से डिवाइड किए होंगे एक खसका है 10 से किए होंगे इसका मतलब 10 से डिवाइड किए होंगे तभी ना एक खसका है अगर 100 से किए होते तो 2 खसका होता 1000 से किए होते तो 3 खसका होता यहाँ एक ही खसका है इसका मतलब 10 से किए होंगे डिवाइड तो इसीलिए आंसर 10 हो गया अब बताओ फिर से रितेश और नेहल अभी समझ में आया कि नहीं यस सर चलो आप करना ठीक है चलो दूसरा देखो लिखा हुआ है आवाज नहीं क्लियर आ रही है
ये फिल इन द ब्लैंक्स है चिन्ह दे दो चलो बताओ रितेश बताओ यहाँ क्या भरना होगा बताओ टेन नहीं बच्चे अगर टेन से किए होते तो ये डेसिमल देखिए यहां आया होता तो ये 24.37 लिखा होता लेकिन ये 24.37 नहीं लिखा हुआ है ये 2.437 लिखा है मतलब एक डेसिमल यहां फंसता है एक डेसिमल और फंसता है मतलब दो बार फंसता है मतलब दो जीरो आएंगे इसका मतलब दो जीरो आएंगे मतलब 100 अभी आया समझ में अभी आया समझ में रितेश आप नहीं बोल रहे हैं रितेश आप भी बोलिए 0.6 है सर और दो और डिवाइडेड बाई क्या करें कि ये 0.06 आए टेन बिल्कुल सही है देखिए ये 0.6 है तो इसका मतलब एक डेसिमल इधर खसक गया है तभी तो 0.06 आया है ये 0.06 ही है 0.06 मतलब 0.06 इसका मतलब एक खसता है एक बाई तरफ खसता है एक बाई तरफ खसता है मतलब किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा 10 से क्योंकि 10 में एक जीरो होता है ठीक है ना आइए अगला बताइएगा सभी बच्चे बताएंगे हाँ बोलिए फिर पहले में आपने ये तो बताया ना कि डिवाइड कैसे करवाएंगे क्या डिवाइड कैसे करवाएंगे सर आपने ऐसे बताया कि लेफ्ट तरफ घुसकेगा उधर थ्री पॉइंट लगा देना पर उसे डिवाइड कैसे करेंगे अरे बताएंगे बताएंगे हम पहले ये तो करिए ऐसे ऐसे करना तो देखिए एकदम नेहल बिल्कुल अभी बताएंगे उसको उसमें तो हम एक से एक बात बताएंगे आपको एक क्वेश्चन ऐसी ऐसी बात बताएंगे आप परेशान हो जाइएगा देखिए 4.3 अब यहाँ पे ये इस पे ना ब्लैंक्स है इज इक्वल टू 0.043 इसको कीजिए जरा सटन नहीं बच्चे ना 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 अच्छे से करो सर 100 कैसे करेंगे नेहल देखिए 4.3 है ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे कितना लिखा हुआ है एक डेसिमल खसता है फिर दूसरा वाला दो बार खसता है फिर जीरो आया ठीक है और ये डेसिमल यही पे और ये देखिए यही लिखा हुआ है 0.043 लिखा हुआ है मतलब देखिए 0.043 लिखा है मतलब कि डेसिमल कितने बार खसता है दो बार खसता है तो डिवाइड किससे किया गया है जिस नंबर में दो बार जीरो आते हैं मतलब वन से डिवाइड किया गया है इसीलिए हमने इसका आंसर 100 लिखा है नेहल अभी समझ में आया कि नहीं नेहल अभी उसको मत सोचिए कि डिवाइड कैसे करना है वो हम बताएंगे आप उसको बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए उस चीज से अभी हम जो बता रहे हैं उसमें बताइए वो बात समझ में आई कि नहीं हाँ रितेश बोलिए सर मजे आ रहे हैं और कराओ आवाज खराब आ रही है चलिए मजे आ रहे हैं और कराओ ऐसे मजे आ रहे हैं ना तो बस अच्छी बात है ठीक है नेहल आप भी कीजिए और
जो आपका क्वेरी है कि हम डिवाइड नहीं सिखाए हैं, डिवाइड सिखाएंगे बच्चे, सब सिखाएंगे। मैंने आपको बोला ना 5 का 10। अच्छा, मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो एक भी चीज छूटेगा नहीं, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी जो बातें सिखा रहे हैं उसको सीखिए, फिर वो चीज भी सिखाएंगे आपको, एक एक चीज सिखाएंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक भी चीज अछूता नहीं रहेगा, आप एकदम घबराइए नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 का 5वां पार्ट देखिए, रितेश आप भी देखना, लिखा हुआ है 328 डिवाइडेड बाई। क्या करेंगे कि ये बराबर आएगा 0.328 के। चलिए रितेश, नेहल आप भी कीजिए, आपका चैट वैसे आपको समझ में नहीं आया क्या लिखी है आप, 5 का 10। ना ना, 10 नहीं होगा, 10 नहीं होगा आंसर, नेहल गलत है, फिर से कीजिए। सर 100 नहीं, 100 भी नहीं होगा, सर 1000। 1000 देखिए कैसे किए नेहल, आप भी देखिए, ये 328 ये लिखा है, इसका मतलब सब ये, इसका मतलब ये लिखा हुआ है 328.0, क्योंकि 328 यही होता है। अब देखिए, एक फंसा है, एक बार फंसा दिए, फिर दूसरी बार फंसा दिए, फिर तीसरी बार फंसा है, तो ये पॉइंट देखिए यही लगा हुआ है 0.328, यही लिखा हुआ है 0.328। उसके आगे जीरो लिखे चाहे ना लिखे, हम आपको बताएं कि लिखना लिखे चाहे ना लिखे, तो ये 0.328 और ये 0.328 ही लिखा है। मतलब ये डेसिमल कितने बार खसा गया है, 3 बार खसाया गया है, और डेसिमल 3 बार खसाया गया है तो किससे डिवाइड किया गया होगा, उस नंबर से डिवाइड किया गया होगा जिसमें 3 जीरो आते हैं, और वो नंबर कौन सा है, 1000, इसलिए इसका आंसर 1000 होगा। अभी आई बात समझ में, नहीं रितेश को कर लेते, नेहल समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब देखो नेहल, इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके होमवर्क में ऐड ऑन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, 5 क्वेश्चन है, 5 ही हम करा दिए, ये देखिए मतलब एक भी छोड़े ही नहीं, लेकिन फिर भी होमवर्क में एक बार फिर से दोबारा से कीजिएगा होमवर्क कॉपी में, ठीक है। नहीं, अब और नहीं करेंगे, अब तो खत्म हो गए, अब आपको दूसरी बार कराए जा रहे हैं। सर आज इंग्लिश की क्लास होगी? इंग्लिश की, हाँ इंग्लिश की होगी, हरिओम सर आए, बाई डिविजन ऑफ डेसिमल बाई फोर। हाँ देखिए, अब ध्यान से, अब दूसरा वाला बता रहे हैं, मतलब अब वो बता रहे हैं कि अगर कोई डेसिमल नंबर है, मान लीजिए 4.23, और उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी होल नंबर, होल से मतलब कि डेसिमल से नहीं, किसी होल वाले नंबर से, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, इस तरह के किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, आ रही बात समझ में? अभी हम ये सिखाएंगे, ठीक सारे बच्चे समझ में आया? सर हमें समझ में नहीं आया सर, क्या? नहीं, हम ये कह रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ाने वाले हैं कि अगर कोई डेसिमल नंबर है, कोई डेसिमल नंबर है, उसको किसी होल नंबर से, होल नंबर मतलब कि जिसमें डेसिमल ना हो, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब नंबर, तो किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं वो सिखाने जा रहे हैं। आ गई बात समझ में, क्या सिखाने जा रहे हैं कि किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में अभी की नहीं, अभी भी नहीं आई? नेहल आप बताइए। यस सर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इसी बातें
एक बात और आपको सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक तो पहले हमको बता दें कैसे डिवाइड करते हैं, उसके बाद एक एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको कि आसानी से आप कैसे करेंगे पहले। लेकिन लेकिन आपको हम पहले एक बात बता दें, जैसे अगर मान लीजिए 0.4 को या 4.2 कर लीजिए, 4.2 को आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। आइए सिखाते हैं कैसे करते हैं। तो ये एक डेसिमल नंबर है, हम डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर से। हाँ बोलिए। सर कौन सा समझा रहे हो? हम बता रहे हैं कि किसी डेसिमल को किसी होल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये डेसिमल है, ये होल है, अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं ये सिखा रहे हैं। अभी सिखाए नहीं है, अभी सिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, सीखिएगा। ये हो गया 4.2, ठीक है ना बच्चे। कैसे डिवाइड करते हैं डिटेल ध्यान से देखना। पहले 2 2 जा कितना हो गया, 2 2 जा हो गया 4, हो गया ना बच्चे। यहाँ पे जीरो जीरो रिमाइंडर बच गया, आप लोग आप में से आदत होगी काट देने की। फिर ये 2 उतर जाएगा यहाँ पर, लेकिन बच्चे देखिएगा इसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो ये डेसिमल यहाँ पे पहले लगेगा, पहले डेसिमल लगेगा उसके बाद आगे आगे का होगा। तो अब देखिए 2 उतर गया, तो अब फिर पढ़ेंगे 2 1 2, और इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2 4 1। हाँ बोलिए एक बार और समझा दे। अब तो आप कराओ मन को एक और समझाएं। नेहल आप बताइए समझाएं क्या? नो यस सर। एक बार और बता दें। चलो अच्छा एक बार और बता दे रहे हैं। जैसे आप देखो 6.8 को अपन 2 से डिवाइड करना है, ठीक है ध्यान से देखना, इस बार सीख लेना नया ध्यान से। इसका मतलब 6.8 को अपने को 2 से डिवाइड करना है ना, तो देखो कैसे कर रहे हैं नया। 2 3 6 आ गया ना, खत्म हो गया। अब देखो इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर डेसिमल लिखा हुआ है, तो ये डेसिमल पहले यहाँ लगेगा उसके बाद काम आगे होगा, उससे पहले नहीं। अब उसके बाद आगे काम होगा, यहाँ 8 उतर गया, तो अब 2 4 जा 2 4 जा 8, तो आंसर कितना आया 3.4। अभी आया समझ में निहल, इसका आंसर कितना आया 3.4, और इसका कितना आया था 2.1। निहल समझ में आया, बताइए निहल। सर हमें तो बहुत समझ में आ गया, अब तो आप कराओ। नेहल से पूछते हो? हाँ 3.4 है, 3.4 है, ठीक है। अरे म्यूट करो रितेश, चलो आप करा रहे हैं। एक्सरसाइज भी दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन से देखें। सर क्वेश्चन फर्स्ट में भी ऐसे ही करना है ना? सर अब का कराओ, अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं, रुकिए। चलो हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट देखिए, 62.04 डिवाइडेड बाई 12,
बताइए कितना आएगा करके। जीरो नहीं। नेहल आप बताइए। सर अभी कर रहे हैं। अच्छा करिए। हाँ एक चैट आ गया 0.62। रितेश कह रहे नहीं, रितेश 0.62 नहीं होगा। फिर से कीजिए रितेश, फिर से कीजिए। नेहल आप बताइए। अभी हम कर रहे हैं। सर वन वन पॉइंट 1.0000 जीरो 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 जीरो। ये भी गलत है। हाँ नेहल बताइए। 5.17। ये कुछ ठीक लग रहा है। आइए हम चेक करके देखते हैं। रितेश क्या कर रहे हैं उल्टा पुल्टा। सर ऐसे एक बार हमें करा दो फिर समझ जाएंगे हम बिल्कुल। चलिए हम अभी कराएंगे तो ही है। आप तो ऐसे बोले कि सर अभी करा दो, अभी दे दो क्वेश्चन। हमको तो लगा कि आपने ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही तो करवाया था। ये वाला क्वेश्चन कहाँ कराया था मैंने? दूसरे में करवाया था कि कैसे डिवाइड करती है, इसको वैसे ही डिवाइड तो करना। देखिए देखो सारे बच्चे हम कैसे कर रहे हैं। नेहल आप भी देखना और रितेश आप भी देखना। 12 और यहाँ 62 है। मैंने आपको बताया था बच्चे कि देखो ये जो पहला प्लेस 6 है, ये 6 है ना, तो ये 12 से कम है। तो पहली बार में हम दो डिजिट ले सकते हैं, पहली बार में हम दो डिजिट ले सकते हैं रितेश। आई बात समझ में? तो ये हो गया 62। तो अब आप 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 5 60 रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर माइनस हो कितना बचा? 2 बचा। अब उसके बाद ये जीरो उतर गया यहाँ पर। लेकिन देखो बच्चे, हाँ 5 के बाद पॉइंट। हाँ हाँ अभी रुक जाओ। तो यहाँ देखो जीरो उतर गया, लेकिन बच्चे देखो यहाँ जीरो से पहले पॉइंट था। ध्यान देना रितेश, ये जीरो से पहले यहाँ पर पॉइंट था, तो इसलिए पॉइंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा ना। पहले हम बताए थे जैसे ही पॉइंट आएगा पॉइंट लगाना पड़ेगा। 20 हो गया। तो आपको टेबल पढ़ेंगे तो 12 बनकर कितना हो गया? 12 कितना बचा? 8 बचा। अब ये 4 उतार दिया। समझ में आ गया? 4 कितना पैसे बाद में आएगा? 2 बार नहीं 7 बार। 7 जा 84। ये आ गया। तो आंसर कितना आया? 5.71। नेहल ने सही दिया था 5.17 आंसर है। आया बात समझ में? तो आंसर इज 5.17। सर अब कराओ।
चलो अभी कराते हैं। अब किसी का दूसरा क्वेश्चन आपने फोर वाला समझा दिया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, 0.192 डिवाइडेड बाय 12 करो इसे। इसको करो जरा, इसमें भी एक परेशानी हो रही होगी आपको, लेकिन हम देखते हैं कि आप उस परेशानी को समझ पाएंगे कि नहीं। सर हम कर रहे हैं अभी, आप मत करना। सर हमें समझ नहीं आ रहा ये। क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो जीरो से कैसे करें हम डिवाइड 12 का? तो जीरो से आगे बढ़ो ना, वन लो, दोड़ के तो ले सकते हो। तो फिर पॉइंट नहीं है बीच में? पॉइंट लगा दो बीच में है तो। सर हम बताएं? बताइए नहीं यार। जीरो पॉइंट 16 कितना? 16 16। आइए देखते, आइए अब हम करते हैं, अच्छा तो देखिएगा। यहीं पे करते हैं, देखना ध्यान से। जीरो पॉइंट 192 इसको अपन कर रहे हैं 12 से, ठीक है ना? इसको हम लाइन खींच दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इधर के साइड कर रहे हैं, ठीक है? देखिएगा ध्यान से। देखिए भाई, ये पहले जीरो है तो क्या करते हैं, 12 0 0 0 कितना बच गया? ये तो 0 0 0 से 0 माइनस किया तो खत्म हो गया, ठीक। अब देखना बच्चे रितेश, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, हम भी पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पे क्या उतर गया, फिर 1 उतर गया, तो 12 0 0 0 और 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। रितेश आई बात समझ में? उसके बाद फिर ये 9 उतर गया, अब 12 कितना आया, 19 में से 12 किया कितना बचा, 7 बचा। अब उसके बाद ये 2 उतर जाएगा यहाँ पर, 72 हो गया। अब 12 कितने जा 72 होता है, 12 6 जा कितना है 72, तो ये अब कट गया। तो आंसर कितना आया भाई, आंसर आया 0.016। नेहल थोड़ा सा गड़बड़ था तुम्हारा, ठीक है? तो आंसर है 0.016। आई बात समझ में सर? रितेश समझ में आया? 0 0 में परेशान हो रहे थे, देखिए 12 0 0 0 कर दीजिए बस, और क्या इसमें क्या परेशान हो रहा है। रितेश अभी समझ में आया कि नहीं? सर आ गया सर, एक तो चैट करके एक वैसे। अभी समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ नेहल। यस सर। अब और दें, अभी और दें,
अब ठीक करना, अब देखते हैं आप, अब अच्छे से करना, ठीक है, अब गलत मत करना। अब ना आप अच्छे से करना, अब आप लोग समझ में आए, अगर अभी भी गलती की है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। चलो 2.25 डिवाइडेड 50 करो जरा रितेश, 2.25 उसको 15 से डिवाइड करो। नेहल तुम नहीं, सर हम भी कर रहे हैं। हाँ नेहल भी करे, रितेश भी करे, और कौन है भाई, और भी है क्या कोई, वही लोग तो हैं, करो। किसका हो गया, रितेश हो गया? अरे हमने कोशिश तो किया पर गलत होगा शायद। देखते हैं, मैं क्यों घबरा रही हूँ। रितेश तुम्हारा हो गया 2.1, रितेश गया 2.1। रितेश तुम बताओ 2.15। आइए हम करके दिखाते हैं। देखिए सर टू का जीरो लगा दो, टू का जीरो लगा दे, सॉरी सर टू का सर क्या टू है या 50 है, ठीक है, तो 15 जीरो जा जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ टू बच गया, ठीक है ना बच्चे। उसके बाद ये पॉइंट था तो हम पॉइंट लगा दिए और ये टू उतार दिए, ठीक है, अब हो गया 22, तो 15 बन जा 15, अब 22 में 15 गया तो 7 बचा, अब ये 5 यहाँ पे उतर गया, कितना है 75, और 15 5 75। तो आंसर कितना आया भाई 0.15। आई बात समझ में, सर आपने टू, सर टू नहीं था वो, हाँ क्या नहीं आपने था, सर टू उतार दिया मैंने, टू नहीं था, कहाँ टू लिखा, यहाँ पे सर हमारे जो आंसर है ये क्या लिखे थे यहाँ पर, वन सर कुछ नहीं था, अच्छा 0.15 आंसर बोले थे तुम, यस सर अब सही है, सही है बिल्कुल सही है, तब नितेश ने सही बताया था, पर हमने चैट किया है, चैट किया है तुमने, हाँ एकदम सही, लेकिन 0.21 नहीं होगा, 0.15 होगा आंसर, ठीक है। आइए हमने चेक किया, अगला बताइएगा, फोर्थ क्वेश्चन,
नहीं फिर सिक्स कर देते हैं, सिक्स देते हैं, सिक्स लिखा हुआ 8.4 डिवाइडेड बाय 12, इसको कीजिए जरा 8.4 डिवाइड 12, सर 0.0 0.0 सर 0.0 बोल रहे हो, 0.0 यस सर। ओके नेहल, नेहल आप बताइए, नेहल जल्दी बताइए, सर 0.7 0.7 देखिए रितेश, देखिए 12 जा 0 माइनस ये 8 बच गया, फिर ये 4 उतारे, लेकिन उससे पहले देखें कि भाई डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, अब 84 आया और 12 7 जा होता है 84, अगर 12 का टेबल याद हो, माइनस किए ये वाला खत्म हो गया, तो कितना आंसर आया 0.7। आई बात समझ में रितेश, रितेश समझ में आया? ठीक है, तो उसी तरीके से इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, चौथा और पांचवा थोड़े बड़े बड़े नंबर हैं, लेकिन आप करेंगे जरूर। जैसे एक हम चलिए फोर्थ भी बता ही देते हैं आपको, लेकिन फिफ्थ नहीं बताएंगे, लेकिन फिफ्थ हम नहीं बताएंगे, वो आप करेंगे। 163 हाँ बोलिए, अब मैम फोर्थ वाला करना है। हाँ फोर्थ वाला, अब इसमें 24 का टेबल, लेकिन आप बोलेंगे सर हमें 24 का टेबल तो याद ही नहीं, तो अंदाजा लगा दीजिए, अंदाजा लगा दीजिए, जैसे हम बताए थे अंदाजा लगाना ना, 24 की जगह 25 पकड़ लीजिएगा और अंदाज लगाइएगा कितने बार जाएगा, कितने बार बनेगा। कीजिए सभी बच्चे, रितेश आप भी कीजिए, आइए हम करके देखते हैं। रितेश देखिए ध्यान से देखिएगा, नेहल आप भी देखिएगा,
यहाँ पर वन है ना, तो 12 0 जा 24 0 या 0 और ये बार उतर गया। ठीक, अब आइए इसे उतार देते हैं। ले सकते हैं, हाँ दो नंबर भी ले सकते हैं, वही बात है, दोनों गलत नहीं है, सही है। अब ये 16 हो गया, अब अपने को 16 भी जो है नहीं होगा, तो फिर हमको 0 जा करना पड़ेगा, 12 0 जा 0, ये 16 बच जाएगा माइनस हो गया, फिर यहाँ पे 3 उतर गया। अब 163 को अब हमको 163 को अब देखना है, 163 24 के टेबल में कितने बार में आता है, तो अब 24 का टेबल देखिए, अंदाजा करके देखिए, 24 के जगह 24 की जगह 25 को समझिए, अंदाज लगा रहे हैं 25 दोगुना होता है 50, 25 दोगुना 50 मतलब 4 गुना 100, 50 मतलब 4 गुना 100, ठीक है, 4 गुना 100 और 6 गुना 150 और 8 गुना तो मतलब 150 के करीब कहीं कहीं, मतलब कि 6 गुना टाइम कहीं ना कहीं आएगा, तो करके देख लीजिए 24 6 जगह यहाँ करके देखिए कितना आता है, 6 4 जा 24 1 कैरी 7 6 2 जा 18 हैं 12 और 2 144 आया बच्चे, 144 आया ना। अब इसका मतलब एक बार और करके देखिए, 25 5 जा कितना आता है, सॉरी 24 5 जा 24 5 जा करके देखिए, 5 4 जा 20 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 10 2 अरे सॉरी सॉरी 6 जा नहीं सॉरी 7 जा करके देखिए, 7 जा 7 जा करके देखिए कितना आता है, 4 7 जा 28 2 कैरी, 7 2 जा 14 14 और 2 16 168 तो ज्यादा आ गया, मतलब अपने को 6 बार में करना है, क्योंकि ज्यादा बार में नहीं करना होता ना, ज्यादा ना होगा आपको, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 24 6 जा 144, मेरी बात समझ में आई कि नहीं बच्चों को, बोलिए सर। हमने मेहनत सर तो समझ में आ गए, पर ना सर अब रेस्ट दे दो 5 मिनट का, नहीं ये क्वेश्चन होने के बाद रेस्ट देंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद रेस्ट देंगे। हाँ नहीं हाँ बोलिए सर, हमने कोशिश तो की थी पर हमारा आंसर गलत है। कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तो समझ में आएगी ना, आई ना कि 24 6 जा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 जा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा बार करते नहीं है, माइनस करेंगे 13 में से 14 किया 9 और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, आप माइनस करके देख लीजिएगा 19 आएगा। अब ये उतारेंगे, लेकिन उतारने से पहले यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, अब 19 आया और जो उतार दिया 4, अब 194 कितने बार में जाएगा, अब जरा देखिए अंदाजा लगाते हैं, पहले कितनी बार में जाएगा, पहले एक अंदाजा लगाते हैं, 25 देखिए, जब 25 चार गुना करते हैं, 25 को चार बार जोड़ते हैं तो 100 आता है, और इसका मतलब 8 बार जोड़ेंगे, 8 गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, और ये 200 से थोड़ा ही सा कम है, इसका मतलब कि 7 बार करने का फायदा है, 7 गुना करने का फायदा है, तो एक बार चेक कर लो 24 7 जा करके देखो काम बन रहा है कि नहीं, 4 7 जा 28 2 कैरी, 7 2 जा 14 14 और 2 168 आ रहा है, एक बार अपनी तसल्ली के 24 8 जा करके देखो, कहीं हो सकता है यही ना बैठ जाए, 4 8 जा 28 आई मीन 32 सॉरी 32 3 कैरी 8 16 और 16 19 192 देखो काम बन रहा है, 24 8 जा 192 आ रहा है, ठीक है, इसलिए एक बार जरूर एक आगे का चेक कर लिया करो, तो हम 8 जा बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे 24 8 जा 192, क्योंकि 24 8 जा पहले मल्टीप्लाई करके देखिए कि 192 आता है,
माइनस कर दो, यहाँ टू बचेगा और उसके बाद ये फोर यहाँ से यहाँ उतर जाएगा और 24 यहाँ पे 24 है, 24 बन जा 24। तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, द आंसर इज 0.00 आगे लिखा है चाहे तो मत लिखो, 6.81 ये आंसर है, क्योंकि आगे जीरो किसी नंबर के आगे जीरो लिखा हो कोई इसका मीनिंग नहीं होता। तो ये आंसर कितना है 6.81। आई बात समझ में? नेहल और रितेश बताओ। सॉरी सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। रितेश आपको? सर आ गया समझ में। तो ये होमवर्क आप जरूर करेंगे है ना। तो देखिए तीसरा पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आप करेंगे, पांचवा क्वेश्चन में टोटल छह के छह पार्ट करेंगे आप। ठीक है, पांचवा में पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी और छठवा भी। ये देखिए हम आपका होमवर्क वहां लिखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन करेंगे, क्वेश्चन नंबर टू करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे। ठीक, आइए एक मिनट का रेस्ट लेते हैं। सभी बच्चे रेस्ट कीजिए। कितने मिनट का रेस्ट है? एक मिनट का। आंखें बंद कीजिए, रेस्ट कैसे लेते हैं पर एक बार सिखा दें आप लोगों को रेस्ट कैसे लेते हैं। आंखें बंद करेंगे और उसके बाद जो अपनी सांस है ना, जो सांस लेते हैं उसको जब आप ध्यान से सुनेंगे आपके अंदर आवाज होती है, पूरा इसके अंदर बहुत बड़ा आवाज चल रहा है। सांस लेंगे तो उसके अंदर अंदर ये नहीं कि एकदम ऐसे में सांस लेने लगे, तेज तेज जैसे लेते हैं नॉर्मल वैसे ही लीजिए नॉर्मल, लेकिन उस ध्यान दीजिएगा जो आवाज आती है अंदर की तरफ। सांस लेने में ना पूरे आपके इसके अंदर पूरा आवाज होता है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए, आवाज आती है। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आवाज आती है, अपने अंदर आवाज आती है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आंखें बंद करके करें और आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। चलिए एक मिनट मेरे साथ सब लोग करेंगे। सर क्या आप सो रहे हैं? अब धीरे धीरे आंखों को खोलिए, धीरे 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 आंखों को खोलिए। नेहल बताओ कैसा लगा, अपने आप वीडियो ऑन करके बताओ तो जरा। बताओ। मैं तो नींद और आ रही हूँ। नींद आ गई?
शांत सा नहीं लगा, दिमाग में रिलैक्स लगा कि हाँ रिलैक्स हो गया दिमाग, ऐसा नहीं लगा? सर लगा, नींद आ गई थे दीदी जगाया मैं तो। नहीं नहीं नींद नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स लगा, वो दिमाग अब शांत हो गया होगा। आपको नेहल आप बताइए, दिमाग रिलैक्स हुआ? ठीक है, आइए अब हम एक और तरीका सिखाने जा रहे हैं, दूसरा तरीका मतलब दूसरा वाला डेरिवेशन। ये क्या होगा भाई? आई सर मुंह की आवाज आ रही है। किसकी किसकी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है भू की, भूत की, भूत की आवाज आ रही सर? भू की आवाज आ रही है। कहां से सर? हमें क्या पता। नेहल जो है नेहल शरारत, नेहल ने शरारत की है, नेहल भूसे कर रही है अभी। गॉड परमिशन देगी। तो ये भूख की आवाज कहाँ से आई? और सर हमारे तरफ है ना चिल्लाने की आवाज आई थी। ये हम यहाँ से तो कोई आवाज नहीं आया। अरे भूत भूत है क्या? अच्छा हमारे ऊपर से एरोप्लेन गया था। हम कहें कि हम लोग की क्लास में भूत आ गया है। देखिए हम लोग क्लास में भूत उतना आ जाए है, कहीं मोबाइल पे घुस ना जाए जान से। चलिए बड़ा हंसी मजाक हो गया। आइए अब हम आपको किसी होल नंबर को डेसिमल से कैसे डिवाइड करते हैं वो सिखाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डिवीजन ऑफ होल बाय डेसिमल। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए पिछली बार हम किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कर रहे थे, इस बार यहाँ कोई होल है मतलब फोर है, अब इसको किसी डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए फोर को 1.2 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? ये क्या है, ये होल है और अब डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल से। पिछली बार देखिए, पिछली बार आप ध्यान दे ये होंगे, इससे पहले हम डेसिमल ले रहे थे और होल से डिवाइड कर रहे थे, डेसिमल ले रहे थे और उसको होल से कर रहे थे ना। अब इस बार हम होल लेंगे उसको डेसिमल से करेंगे। नेहल बात समझ में आ गई? इस बार हम होल लेंगे और डेसिमल से करेंगे। आइए इसको सिखाते हैं कैसे करते हैं, सीखिएगा। मान लीजिए जैसे हमको 144 ये होल है, इसको डेसिमल से डिवाइड करना है, मान लीजिए 1.2 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे डिवाइड? ठीक है इसको सिखाने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ये 144 अपॉन 1.2 है, यही तो है इसका मतलब, है ना? अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? जब इस तरह का नंबर होना और ऐसे मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होता है। मैं क्या बोला फिर सुनिएगा, जब ऐसा होना तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब 144 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1.2 का 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक ठीक, उसके बाद ये 1.440 और नीचे आएगा कितना?
1.20। नहीं, हमने बताया था 1.2 जब डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल किस तरफ खसक जाता है, राइट की तरफ, मतलब एक इधर खसक जाएगा। याद आ रहा है कि भूल गए? इसका आंसर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ खसकता है और डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में राइट की तरफ और डिवाइड में लेफ्ट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, बस एक इधर खसक जाएगा। तो क्या हो गया 12.0। अब मैंने बताया 12.0 ना लिखे तब भी काम बनेगा, तो ये आ गया 12। ये बात समझ में आई कि नहीं? नेहल समझ में आ गया? रितेश पिछले क्लास में सिखाए थे हम डेसिमल को, रितेश कहाँ घूम फिर रहा है? अरे बैठ के पढ़ोगे, ऐसे घूमते घूमते पढ़ोगे, टहल रहे हो, बैठ जाओ। हाँ तो ये 1.2 × 10^12 आया, ये बात समझ में आया रितेश? ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, 1440 को 12 से डिवाइड करना है। अब ये पूरा नंबर क्या बन गया, एकदम ऐसे हो गया, क्या हो गया कि अब अपने को 1440 को 12 से डिवाइड करना है, और ये डिवीजन तो आपको आता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आप बचपन से करते आए हैं कि भाई 12 को 12 से डिवाइड कर दो 1440 को। ठीक है, तो 1 आया, अब ये 1 को भाई 12 से कम है तो 12 0 जा 0, ये 1 उतर गया, फिर ये 4 उतर गया, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 2 उतर गया, ये 4 उतरा, 12 2 जा 24, 0 0, ये 0 यहां से यहां 0 उतर गया, तो 12 0 जा 0, तो ये पूरा, तो आंसर कितना आया 0, ये कितना आया 0120। इसका मतलब किसी नंबर का भी 0 है तो कोई मतलब नहीं, ये 120 आ गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अभी दें, अब दें का क्वेश्चन दें, करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, 144 को डिवाइड कीजिए 0.12 से, कीजिए। सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, करो रितेश कॉपी में करो, बच्चे इसको सॉल्व करो जरा। सर पहले मुंह से ही सॉल्व करना है, फिर कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। मुंह से कर ही नहीं पाओगे, मुंह से कैसे करोगे, कॉपी में ही करना पड़ेगा, मुंह से हो जाएगा। सारा मैं यूं ही समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन किधर है, और जो आप क्वेश्चन ये नेहल जूता वीडियो अटक गया है। चलो नेहल आवाज आ रही है मेरी आपको? नेहल मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है नेहल का, एकदम स्टैचू बन गई है नेहल, देख रहे हैं ना रितेश, एकदम एकदम ऐसे करके
ऐसे पैसे स्टैचू हो गई है ना ऐसे। चलिए गायब हो गई तो वीडियो प्रॉब्लम हो रहा होगा। सर हमारा हो सर हमें समझ में नहीं आ रहा ये। देखिए अभी हम आपको बताएं क्या बताएं कि इसको कैसे लिख लीजिए 144 बाई 0.12 ठीक है ना। अब देखिए अगर हम ऊपर नीचे क्या करें इसको एक दो बार खसकाना है ना एक और दो बार खसकाना है तो अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दो डेसिमल आगे दाएं तरफ खसक जाए तो 12 हो जाए तो ऊपर भी करेंगे 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना पड़ेगा तो ये हो गया 144.00 अपॉन ये हो जाएगा 12। अब इसको कीजिए डिवाइड 144.00 को 12 से डिवाइड कर दीजिए करेंगे 12 से करना है किसको 144.00 को तो ये बात देखिए 12 या 0 ये 1 उतर गया ये 4 उतरा 12 बन जा 12 2 बचा ये 4 उतरा 12 2 जा 24 ये 0 0 हो गया ये कट गया ये 0 जा 12 0 जा 0 ये भी कट गया ये 0 उतरा फिर 12 0 जा 0 ये भी कट गया सर 1200 हाँ 12 कितना आया 1200। लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये देखिए 100 से जब ये 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पे नीचे 100 और ऊपर 100 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्यों क्योंकि जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल इधर और दो डेसिमल इधर दो जीरो ना दो तो ये 12 हो जाएगा। बस ये चीज आपको सीखनी है ये करना अगर आप ये करना सीख लिया तो इस तरह का डिविजन कर लेंगे। आई बात समझ में रितेश आई समझ में बात सर हमारी मोबाइल स्विच ऑफ होने वाली है। हाँ तो हम क्लास में समाप्त करते रहे चलिए कोई बात नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये पांचवा क्वेश्चन कीजिएगा और आपका समाप्त हो जाए उससे पहले हम आपको होमवर्क बता दें नेहल आपको पेज भेजेगी ना पेज नंबर 57 भेजेगी ना नेहल तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये चार क्वेश्चन कीजिएगा। पहले में जो है 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं 6 कीजिएगा और दूसरे में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 कीजिएगा फोर्थ क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन दिया है 5 कीजिएगा और पांचवे में 6 क्वेश्चन दिया 6 करेंगे। हाँ बोलिए रघुराज को रितेश को उनको ही क्यों व्हाट्सएप करने के लिए कहते हैं और कोई बच्चे को कह दिया करो। अब देखिए अभी आज को रितेश और वो थे रितेश थे और नेहल थी और कोई तो था ही नहीं और कोई होता तो उससे कहलवा देते लेकिन आज तो दो ही लोग थे ना बस और कोई बच्चे के पास भूख ही कहाँ है। चलो अगली क्लास का जो है आपसे नहीं कहेंगे अगर और कोई बच्चा आया तो लेकिन अब कोई आता ही नहीं अब आप आई और रितेश आए तब तो आप ही से कहेंगे ना और कोई बच्चा आता तब तो कहते भी आई बात समझ में। तो ये 3 नहीं करना है 1 करना है 2 करना है 4 करना है और 5 करना है चार क्वेश्चन ठीक करिएगा। सर हमसे क्या करना और किसी से क्या आप ही से कहेंगे सेंड करने को हमसे क्या किसी से मत कहना। तो फिर तू कह रही कि आप हमसे क्यों कहते हैं हमको लगा आप नहीं करना चाहते। अच्छा ऐसे बोली हमको लगा कि आप नहीं करना चाह रहे ठीक है तब तो फिर करना ही चाह रही तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसी के साथ क्लास को समाप्त कर रहे हैं ठीक है खूब अच्छा खाइए पीजिए सुबह उठ के व्यायाम कीजिए पीटी कीजिए और अपने मम्मी पापा का कहना मानिए और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।